हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एंकर दिस इज सूरज मोरे आई होप ब्लैक बुक काली किताब सॉल्व करने में आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आ रहा होगा और हमने यार एक से लेकर तीस क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं और तीस क्वेश्चन में डेफिनेटली आपने कई नई कॉन्सेप्ट और अपने आईक्यू को बहुत ज़्यादा डेवलप किया होगा तो सोचो यार अगर इसी तरीके से आप पूरी ब्लैक बुक सॉल्व करते गए डेली एक एक दो दो घंटे का समय निकाल के तो डेफिनेटली आपका प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छा होने जा रहा है यार, है ना? तो आज एपिसोड नंबर करेंगे बुक डली हुई तो आप वहां से पढ़ भी सकते हो और देख भी सकते हो ठीक है तो स्टार्ट किया जाए द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन सो दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स वेयर एफ एक्स ये फंक्शन दिया इज ए फाइनाइट नॉन जीरो नंबर तो हमसे इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन पूछा जा रहा है जिसके लिए भाई साहब ये जो लिमिट हमारे पास है यहाँ पे हम क्या करेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो लगाएंगे मतलब ओवरऑल हम यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो लगा रहे हैं तो ये लिमिट आफ्टर ऑल सॉल्व करने के बाद मुझे एन के ऐसी कौन सी वैल्यू रखनी कि इस लिमिट की वैल्यू जो है फाइनाइट और नॉन ज़ीरो ऐसा प्रॉब्लम हमने कर भी रखा है

ये क्या है टू साइन एक्स है ये बेसिकली क्या है माइनस है ना तो मैं डायरेक्ट देखो माइनस लेके जा रहा हूं तो उधर जो माइनस वाला था वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस वाला log x ही, ये ये माइनस में हो जाएगा तो मैं एक स्टेप डायरेक्ट लिखा है आई होप आप इसे समझ गए होंगे टू द पावर लिमिट भाई साहब मेरे को एग्जिस्ट भी करानी है और साथ ही साथ में मुझे यह फाइनाइट और नॉन जीरो भी चाहिए ये भी कंडीशन मेरे पास है अब क्या किया जाए ऐसा जब भी लिमिट आता है जब आपको लगे कि भाई ये डायरेक्टली नहीं सॉल्व किया जा सकता है तो आप क्या यूज करते हो फटाफट सोचो सभी के सभी सोचो एक्सपेंशन बहुत बढ़िया एक्सपेंशन कब यूज़ करना यार जब कोई रास्ता हमारे पास ना दिखाई दे रहा हो तो आओ एक्सपेंशन की तरफ बढ़ते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्सपेंशन याद कर लेना मैं अगेन आपको बोल रहा हूं ई e के पॉर एक्स का एक्सपेंशन साइन एक्स का कॉस एक्स का टेन एक्स का और यहाँ पे लॉग वन प्लस एक्स का लॉग वन प्लस एक्स हो गया तो वन माइनस एक्स अपने आप याद आ जाएगा एन एन यहाँ पे इंटीजर बिलोंग करे एन नेचुरल नंबर बिलोंग करे एन रेशनल नंबर बिलोंग करे सबके लिए याद कर लो तो इतनी चीजें कभी कभी साइन इनवर्स एक्स की जरूरत पड़ती है टेन इनवर्स एक्स की जरूरत पड़ती है ये एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए अभी हम इसके एक्सपेंशन की बात करेंगे साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है भाई साहब भैया ये ऑड फंक्शन है तो एक्स से स्टार्ट होगा डॉट 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 इन तक कहानी जाती है माइनस एक्स भी यहाँ पे है ये बंद हो गया टू साइन एक्स का टू तो साइन एक्स का बेसिकली टू से मल्टीप्लाई कर लो टू एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस टू एक्स टू पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल डॉट 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 कहानी जा रही है प्लस लॉग वन माइनस एक्स का एक्सपेंशन कितने लोगों को याद है भैया लॉग वन माइनस एक्स का क्योंकि लॉग वन प्लस एक्स का होता है भाई साहब एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स के पावर फोर बाई फोर प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट याद करके रखना तो वन माइनस एक्स का एक्स माइनस रख देते हैं बस है ना तो ये कितना हो जाएगा भैया ये प्लस में था ना लॉग वन माइनस एक्स तो ये हो जाएगा एक्स माइनस बेसिकली अब ये प्लस लॉग वन माइनस एक्स के एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस एक्स करेंगे इवेन वाला एज इट इज रहेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू है ना माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री है ना इसी तरीके से ये कहानी भी चलती जाएगी अब इसके बाद क्या है कौग भाई इसके बाद यहाँ पे माइनस लॉग वन प्लस एक्स है तो ये प्लस था ओके लेकिन यहाँ पे ये यह माइनस वाली हमने बात की लॉग वन माइनस एक्स की अब माइनस में हमें लॉग वन प्लस एक्स लिखना है तो माइनस एक्स यहाँ पे हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री हो जाएगा प्लस डॉट 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 कहानी चलती जाएगी नीचे क्या है भाई साहब एक्स के पॉवर एन समझ में आया कि नहीं हमने वहां पर क्या लिखा है कुछ नहीं एक बार खुद से करोगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा अच्छा जी अब क्या करें हमें देखो लिमिट को क्या कराना है एग्जिस्ट भी कराना है नॉन जीरो भी रखना है ठीक है थोड़ा सा अगर मैं दोनों को अलग अलग ट्रीट करने की यार कोशिश करूं जैसे ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है ना ये वाला जो एरिया है पर्टिकुलर यहाँ पे देखो एक्स कैंसिल आउट हो गया बचा क्या माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल ध्यान से समझो एकदम डॉट 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 इन फाइनाइट है ना और यहाँ पे क्या लिखा है अगेन ये देखो बेटा गायब हो ियल और यहां से माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री और बेसिकली माइनस टू एक्स क्यूब बाई थ्री है ना माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री यहां से और माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री यहां से अब इसके आगे क्या है एक्स स्क्वायर तो हम भूल ही गए थे यार यहां से देखो ये गायब हो गया है ना और देन इसके बाद यहाँ पे क्या है कहो भैया ये आपका होगा हो यहाँ पे प्लस एक्स क्यूब पे फिर एक्स के पावर फाइव उधर जाएगा तो टू एक्स के पावर फाइव बाई फाइव फेक्टोरियल और कुछ इधर से भी ऐड होगा तो इसको हम एज इट इज रहने देते है ना और ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है x के पावर n x के पावर n को मैं दो पार्ट में लिखता हूँ एक तो मैं इसके साथ एक्सक्यूब एसोसिएट कर लेता हूँ एक इसके साथ x के पावर n माइनस थ्री एसोसिएट कर लेता समझो क्या किया मैंने अगर एक्स क्यूब को इसके साथ में लेके आ तो ये वाला पार्ट एग्जिस्ट कर जाएगा कैसे क्योंकि यहाँ पे जो लोवेस्ट पावर है एक्सक्यूब है अगर मैं एक्सक्यूब को कॉमन लू आप एकदम अपने से सोचो इसे मैं समझा नहीं पाऊंगा अगर मैं इसे आप बोलो मैं इसे बोल समझा समझाऊं देखो क्यूब कॉमन लिया तो यहाँ पे ये समथिंग अमाउंट बच रहा है ठीक है ना अगर नीचे क्यूब रहता है जो हमने एक क्यूब यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया है तो इसे कैंसिल आउट कर देगा है ना इसे तभी तो कैंसिल आउट करेगा और जैसे को जीरो को ये एक फाइनाइट वैल्यू आ गई अगर मैं यहां एक्स के पावर फोर लिखता तो काम बनता कहोगे नहीं तब तो यार वन बाई एक्स बच जाता तब काम नहीं बनता क्या एक्स स्क्वायर से काम बनता तब भी काम नहीं बनता क्योंकि तब जीरो बन जाता। जीरो भी नहीं चाहिए और वन बाई एक्स मतलब दैट इज इनफाइनाइट भी नहीं चाहिए तो इसके लिए तो हमने कर लिया भाई अगर एक्स क्यूब निकालेंगे तो ये वाला पर्टिकुलर पोर्सन फिट बैठ गया अब यहां पर देखो यहां पर मैं ऐसे एक्स की क्या वैल्यू रखू एन की क्या वैल्यू रखू ये भी फिट बैठ जाए तो ऊपर सबसे स्मॉलेस्ट एक्स क्यूब एक्स के पॉल फाइव होगा उससे नहीं मतलब एक्स अगर हमने लिया ऊपर तो देखो टू बाई, थ्री, टू बाई थ्री प्लस इधर एक्स स्क्वायर समथिंग बचेगा एक्स स्क्वायर समथिंग कुछ भी बचे यार जीरो होना है एट लास्ट एक्स के पॉर एन माइनस थ्री अब बताओ मुझे एन माइनस थ्री क्या रखना है जिससे ये लिमिट फाइनाइट बन जाए क्या आप एन माइनस थ्री को फोर रख सकते हो क्योंकि N -3 को अगर फोर रखा तो ये वन बाई एक्स बचेगा तो ये इनफाइनाइट बन गया क्या एन माइनस थ्री को टू रखा जा सकता है नहीं क्योंकि टू रखा तो ऊपर एक्स बचेगा जीरो बना देगा तो मजबूरन हमें एन माइनस थ्री को थ्री रखना पड़ेगा तो पुट क्या करेंगे पुट करेंगे एन माइनस थ्री को भाई साहब थ्री एन बराबर सिक्स आ गया आंसर अभी तो ये एक्स क्यूब बनेगा और एक्स क्यूब बनते इसे कैंसिल आउट कर देगा जैसे x को जीरो रखोगे सिंपल ये वैल्यू फाइनाइट ये वैल्यू फाइनाइट फाइनाइट इन फाइनाइट फाइनाइट वैल्यू आ गई तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था लेकिन समझने का फेर था जो बच्चा समझ गया भाई उसका काम हो गया सिंपल कितना बढ़िया सवाल था एंसर इज सी सी ऑप्शन दैट इज सिक्स इज द करेक्ट आंसर बहुत ही प्यारा बहुत अच्छा सवाल मेरे को लगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्या आने वाला है ओह ये तो देखने ही में ही यार डरावना सा लग रहा है थोड़ा सा है ना बट ठीक है यार डर के आगे जीत है हमें भी यही काम करना है कंसीडर दी फंक्शन हमारे पास एक फंक्शन है मैक्स x कॉमा 1/x मिन x कॉमा 1/x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 1 इफ x इज इक्वल टू 0

ओके यार सबसे पहले तो मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एफ एक्स है क्या चीज एफ एक्स है क्या ये तो पहले पता चले यार ओके एफ एक्स है हमारे पास मैक्स ऑफ एक्स कॉमा वन बाई एक्स फाइन अच्छा अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करो यार है ना तो एक्स और वन बाई एक्स का ग्राफ कितने बच्चे बना सकते हैं कहो भाई साहब अगर आप थोड़ा भी हम लोग की इज्जत कर रहे हो तो यार ये तो मत बोलो को टू एक्स की ग्राफ कौन नहीं बना पाएगा ये बन गया y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ y इज इक्वल टू वन बाई एक्स इज वॉट इज रेक्टेंगुलर हाई बोला इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट x इज इक्वल टू वन वाई इज इक्वल टू वन x इज इक्वल 1 माइनस वन वाई इज इक्वल टू माइनस वन दिस इज दर दिज आर इंटरसेक्टिंग एंड ऑबियसली ये एक्सिस होता है इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का अच्छा अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं है ना? अब हमें थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा ये जीरो है ठीक है अगर आप बेटा मैं आपसे कहूँ जीरो से लेके 1 तक कौन मैक्मम है तो आप बोलोगे भैया y इज इक्वल वाला मैक्सिमम दिख रहा है और ये वाला छोटा दिख रहा है अगर मैं आपसे बोलूंगा से इनफाइनाइट तक कौन बड़ा दिख रहा है तो कहोगे आप y is equal to x वाला बड़ा दिख रहा है अब आइडेंटिफाई हो गया होगा अगर आपसे मैं बोलूं भाई साहब जीरो से लेके माइनस वन तक कौन बड़ा दिख रहा है तो आप डेफिनेटली बोलोगे भैया अगर आप यहाँ पे देखो तो ये वाला पर्टिकुलर नीचे ये ऊपर है तो वाई इज इक्वल टू एक्स बड़ा दिख रहा होगा और ये छोटा दिख रहा होगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन तक ये वाला बड़ा दिख रहा होगा और ये वाला आपको नीचे दिख रहा छोटा दिख रहा होगा अब बड़े आराम से आप लिख सकते हो सो बेसिकली वी हैव टू ब्रेक एफ ऑफ एक्स इन मेनी पार्ट्स सो फर्स्ट पार्ट इज व्हाट एक्स इज ग्रेटर देन वन सो व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वन वी आर गोइंग टू राइट दी फंक्शन वेन एक्स इज ग्रेटर देन वन तो मैक्सिमम कौन है एक्स और वन बाई में तो आप देखोगे जब वन से बड़े की हम बात कर रहे हैं वन से आगे की बात कर रहे हैं तो ये वाई इज इक्वल टू एक्स वाला मैक्सिमम आपको देख रहा होगा अरे वन से इधर यही ऊपर वाला तो ऊपर है तो कहोगे भाई ये यहां पे मैक्सिमम हो गया एक्स डिवाइडेड बाई मिनिमम कौन सा है मिनिमम ऑब्वियसली वन बाई एक्स हो गया है ना अब x जीरो से वन तक की हम बात कर लेते x इज ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन तक की हम बात करते हैं तो जीरो से लेके वन तक क्या बात करोगे भैया ये नीला वाला भाई साहब ऊपर है तो वन बाई x विल बी मैक्सिमम एंड x विल बी मिनिमम है ना अब हम बात करेंगे x इज ग्रेटर देन माइनस वन लेस देन जीरो इस वाले पर्टिकुलर पोर्सन में ये भाई साहब ऊपर दिख रहे हैं ये भाई साहब नीचे तो y इज इक्वल टू एक्स इज मैक्सिमम दिख रहा है ना और अगर हम माइनस इनफाइनाइट फाइनाइट एक्स इज लेस देन माइनस वन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये नीले वाले भाई साहब बड़े दिख रहे होंगे और ये छोटे दिख रहे होंगे मैक्स बाय है और x इज इक्वल टू जीरो पे इन्होंने ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है कंडीशन दैट इज वन मैं बहुत डिटेल में इसे बता रहा हूँ अदरवाइज मुझे करना हो तो मैं डायरेक्ट इसे कर देता यार है ना बट फिर भी फॉर योर सिंप्लिसिटी एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर फंक्शन मिला अब हमारे पास एक सम्मानजनक बातें हैं भैया जो एफ ऑफ एक्स है दिस इज एक्स स्क्वायर वेन एक्स इज ग्रेटर वेन एक्स इज ग्रेटर वेन एक्स इज ग्रेटर माइनस वन लेस जीरो एंड दिस इज Uh, लेना हो भाई ले लो। क्योंकि ये में भी आपको नहीं मिलेगा है ना स्क्रीन शॉट ले ही लो ज्यादा बेस्ट है वैसे वीडियो को आगे पीछे करके भी स्क्रीन शॉट लिया जा सकता है तो डरो मत अगर इरेज हो गया तो आपके मोबाइल में एक बटन होगा जिससे आप पीछे भी जा सकते हो फाइन अब हम एक एक करके यार लिमिट सॉल्व करेंगे अब मैंने थोड़ा सा अपने काम को आसान बना लिया है सो फर्स्ट लिमिट लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस देखो ध्यान से लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स समझो ध्यान से बहुत मजा आने वाला जीरो माइनस के लिए अगर मैं बात करूं तो मैं कौन सा फंक्शन एफ एफेक्ट विच एक्स इज आई एम गोइंग टू यूज सो यू आर गोइंग टू टेल For x tending to 0 minus, मतलब की जीरो से छोटा सो वी आर गोइंग टू यूज फंक्शन तो यहाँ पे ना कहोगे बिल्कुल सही बात है भाई अब क्या कहानी है कहोगे भैया ये हो जाएगा लिमिट एचेंडिंग टू जीरो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो है ना ये हो जाएगा एच स्क्र भी बेसिकली जीरो है ना लिमिटेस्ट अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर कोई भी डेसिमल वैल्यू जैसे तुमने जीरो पॉइंट जीरो नाइन रखा दी है जीरो पॉइंट जीरो नाइन ही आता है तो वही कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमेशा एक्स के बराबर होता है व्हेन एक्स बिलोंग्स टू डेसिमल नंबर जब वो डेसिमल हो ठीक है तो हमेशा ये एक्स के बराबर ही वैल्यू देता है तो जब यहाँ पे एच को हम जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो आ गया तो पहला लिमिट हमने सॉल्व कर लिया अरे एच यार जीरो पॉइंट जीरो स्टैंडिंग टू बेसिकली अगर मान लो जीरो पॉइंट जीरो जीरो, 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 जीरो जीरो वन हुआ ठीक है जीरो जीरो, जीरो पॉइंट जीरो वन ही ले लो वैसे इससे भी छोटा है तो एच स्क्वायर जीरो पॉइंट डबल जीरो ट्रिपल जीरो वन होगा यही तो होगा और एच स्क्वायर का फ्रैक्शनल पार्ट अगेन यही आएगा सो एच स्क्वायर का फ्रैक्शनल पार्ट विल बी एच स्क्वायर तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं एकदम बहुत अच्छे यार पहला हमने सॉल्व कर लिया जीरो आएगा सेकंड क्या लिमिट कह रहा भाई साहब लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग माइनस फ्रैक्शनल अगेन ऑफ ओके अब वन माइनस के लिए बिच फंक्शन आई एम गोइंग टू यूज वन माइनस के लिए वन से छोटा आई एम गोइंग टू यूज वन बाई एक्स स्क्वायर लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन माइनस ठीक है

तो वन बाई जीरो पॉइंट नाइन समथिंग तो ये कितना हो जाएगा कहो भैया ये वन पॉइंट समथिंग होगा है ना तो अगर हम यहाँ पे h की जीरो से बात करेंगे भैया h जीरो रखते थे एक बार फिर से इसको हम थोड़ा सा मैच कर लेते हैं लिमिट टू लिमिट टू जीरो तो वन माइनस एच का हमने होल स्क्वायर कर लिया है फ्रैक्शनल पार्ट ही है फाइन है ना तो अगर आप ध्यान से इसे देखो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग बन रहा है है ना तो ये जो कहानी है वन माइनस एच का होल स्क्वायर है ठीक है ना एच अगर जीरो को टेंड कर रहा है तो बेसिकली वन माइनस एच विल बी टेंडिंग टू जीरो पॉइंट नाइन समथिंग ठीक है ना एंड जीरो पॉइंट नाइन का अगर स्क्वायर मैं कर दू ठीक है जीरो पॉइंट नाइन 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 समथिंग फाइन तो ये आपका कितना बन जाएगा भाई जैसे अगर जीरो पॉइंट नाइन ही लें तो नाइन नाइन एट्टी वन तो जीरो पॉइंट एट वन ये बनेगा बेसिकली और ऊपर हमारे पास वन है ठीक है और अगर हमने टेन से मल्टीप्लाई किया ठीक है ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है एच को अगर हम जीरो पुट भी कर दें डायरेक्टली तो भी अपना काम नहीं बन रहा है है ना तो यहीं से हमें सोचना पड़ेगा कि क्या कहानी की जा सकती है फ्रैक्शनल पार्ट है बेसिकली है ना ओके तो इसे थोड़ा सा भी स्किप रखते हैं साइड में और हम थर्ड वाला करने की कोशिश करते हैं है ना तो ये थर्ड जब भी आपको कभी अगर ऐसा लगे कि भाई कोई भी एक स्टेप मेरे से नहीं हो रहा है तो आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओ और उसी वक्त सोचते रहो डोंट वेस्ट योर टाइम हो सकता है कुछ आपको स्ट्राइक कर जाए ओके मूविंग फॉर थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट पे जैसे हम बढ़ते हैं यहां पे क्या है? minus minus. X है. तो limit, अच्छा अब बताओ माइनस वन से छोटे के लिए मैं कौन सा वैल्यू यूज इसमें करने अगर कर? मैं माइनस वन से छोटे यूज करूंगा सो आई एम गोइंग टू यूज दिस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन से भी छोटा तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम यहाँ पे वन बाई एक्स स्क्वायर अब क्या कहानी बन सकती है भाई क्योंकि भैया यहाँ पे ध्यान से आप देखो तो ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कर लो है ना और यहाँ पे हम क्या करते हैं वन डिवाइडेड बाई माइनस वन माइनस एच का होल स्क्वायर कर लेते हैं है ना अब क्या कहानी भाई क्योंकि भैया ये हो जाएगा लिमिट जब भी इस तरीके का होल स्क्वायर ठीक है, तो है? यहां है।, माइनस माइनस है अब यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो ये जो चीज बन रही है बेसिकली है ना यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये लिमिट एच अटेंडिंग टू जीरो जैसे ही आप एच को जीरो पुट करते हो तो यहाँ बेसिकली वन बन रहा है ध्यान से समझो ये तो आपका क्वांटिटी वन हो गया लेकिन इसका मामला फसरा क्यों क्योंकि ये तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट में है यह आपका फ्रैक्शनल पार्ट बेसिकली माइनस को अगर हम स्क्वायर को बाहर लेंगे तो अगेन प्लस में रहेगा तो वन प्लस एच का होल स्क्वायर बनेगा है ना अब क्या करेंगे हम जैसे एच को जीरो पुट करेंगे तो जीरो पॉइंट समथिंग मतलब ये वन बाई वन पॉइंट समथिंग बनेगा है ना तो ये वन पॉइंट समथिंग का स्क्वायर कितना होगा तो बड़ा ही होगा तो अगेन ये जीरो पॉइंट समथिंग आएगा और अगेन ये एच के टर्म में कुछ आ रहा होगा है ना भाई ये कुछ आपके जो वैल्यू पॉइंट में आ रही हो तो पॉइंट के अंदर इसका फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है तो हम इसे एज्यूम करेंगे जीरो है ना तो वन माइनस जीरो समथिंग तो यहां भी थोड़ा सा ये बार बार फ्रैक्शनल पार्ट नीचे आके फंसा रहा है यार ये भी बहुत एग्जैक्ट हम यहाँ पे नहीं बता पा रहे तो इसे अभी मैं स्किप करता हूं ठीक है इस पर्टिकुलर पार्ट part को है ना तो ये क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस करते हैं यार अभी तो थोड़ा सा फ्रैक्शनल पार्ट हमें दिक्कत दे रहा है ठीक है अगर आपके दिमाग में कोई चीज स्ट्राइक कर रही है देन यू कैन डू एक बार मैं और ट्राई ये वाला कर लेता हूँ है ना शायद यहाँ से फिर से कुछ स्ट्राइक हो लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस ठीक है और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स अभी हम वन माइनस के लिए कौन सा फंक्शन यूज करने हैं? वी आर गोइंग टू यूज दिस वन वन बाई एक्स स्क्वायर यहीं से मामला पूरा फंस जा रहा है अब इसको कैसे सॉल्व करें लिमिट लिमिट एच अटेंडिंग टू जीरो वन बाई वन माइनस एच का होल स्क्वायर ये फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर है ओके okay, अगर मैं इसे थोड़ा सा जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं वन बाई वन माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस ये अगर मैं करने की कोशिश करूं अब थोड़ा सा शायद हो जाए तो एच को जब हम जीरो पुट करेंगे तो ये तो मामला क्लियर भाई यहां पे तो वन आएगा है ना माइनस अब मैं इसका जी वाला पार्ट सॉल्व करता हूं तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो है ना और ये क्या है माइनस के साथ तो मैं माइनस बाहर ही लिखता हूँ वन बाई ये जी आई एफ के अंदर है वन माइनस एच का होल स्क्वायर फाइन अगर हम ध्यान से देखें जैसे एच टेंडिंग टू जीरो है एच टेंडिंग टू जीरो बेसिकली ये क्या है वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो, जीरो समथिंग तो यहाँ क्या बचेगा जीरो पॉइंट नाइन 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 समथिंग तो वन बाई जीरो पॉइंट नाइन नाइन समथिंग का होल स्क्वायर ठीक है अभी क्या कहानी है कहोगे अगेन यहाँ पे देखो जैसे ही हम यहाँ पे स्क्वायर करते हैं तो भी ये ज्यादा से ज्यादा क्या बनेगा जीरो पॉइंट नाइन 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 समथिंग ही बनेगा वन से बड़ा तो होगा नहीं कभी भी ये वन से बड़ा तो होगा नहीं और जैसे ही आप क्या करते हो भाई इसको ऊपर नीचे आप डिवाइड करते हो तो ये ऊपर जो भी बनेगा ये वन समथिंग बनेगा बनेगा ये तभी करोगे जब आप खुद से लिखोगे तो यहाँ पे ऊपर बेसिकली ये वन बन जाएगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी वन आएगी तो ये वन था ये माइनस के साथ one अगर हम लिखेंगे तो ये वैल्यू जीरो अब हुआ काम तो फ्रैक्शनल पार्ट्स हम डायरेक्ट इसे सॉल्व नहीं कर सकते थे तो एक बार सबको मैं इरेज कर देता हूं है ना और फिर से हम इसे करने की कोशिश कर देते हैं ठीक है तो डायरेक्ट अगर एफ पी एफ से हम कर रहे थे तो वहां से हमें मिल नहीं पा रहा था भाई एग्जैक्ट तो यार इसी तरीके से आप एग्जाम में भी सोचोगे जैसे यहां पे हम बीच में फंस गए कोई दिक्कत नहीं भाई अगर सवाल अच्छा होगा तो आप फंसोगे नो डाउट है ना अगर आपसे सब कुछ बनने ही लगेगा फिर दिक्कत ही क्या है ठीक है ऐसे नहीं रेज होता है क्या नहीं। ये सवाल थोड़ा अच्छा था ये हमने इसे भी रेज कर दिया यार अपने फंक्शन को भी हमने इरेज कर दिया कोई बात नहीं है चलिए तो तो फंक्शन मैं एक बार फिर से से लिख देता हूं। F of X क्या था भाई लेके सॉरी एक्स इज ग्रेटर माइनस वन लेस जीरो एक्स इज लेस देन माइनस वन ग्रेटर तो तो था. था देख लेना नहीं तो फिर से पूरा गड़बड़ हो जाएगा मामला तो पहली वैल्यू तो हमने जीरो सॉल्व कर ली थी और मुझे सॉल्व करना था सेकेंड लिमिट दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन माइनस

तो सेकेंड लिमिट भी ये भी जीरो मिल गया ये भी जीरो अब मूविंग फॉर थर्ड थर्ड लिमिट लिमिट को एक बार सॉल्व करते हैं तो यहां तक देखो हम पहुंचे थे उस वक्त यहां तक हम पहुंच चुके थे ठीक है ना अब ये GIF के अंदर ऑलरेडी था है ना अब ये क्या था हमारा के अंदर ऑलरेडी फंक्शन था तो हमने ये वन बाई एक्स स्क्वायर लिया था माइनस वन के लिए यही था ना अब क्या लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो वन डिवाइडेड बाई माइनस वन माइनस एच का होल स्क्वायर सो व्हाट इज दिस भाई साहब ये बेसिकली क्या लिखा है लिमिट एच टू जीरो वन बाई वन प्लस एच का होल स्क्वायर मतलब समझो बेटा ध्यान से एकदम ये लिखा हुआ है लिमिट अटेंडिंग टू जीरो वन डिवाइडेड बाई वन पॉइंट समथिंग का होल स्क्वायर वन पॉइंट समथिंग का होल स्क्वायर अब नीचे बड़ी क्वांटिटी ऊपर छोटा क्वांटिटी है जब डिवाइड करोगे बेटा तो ये जीरो पॉइंट समथिंग मिलेगा और जीरो पॉइंट समथिंग का जी आई जीरो होता है तो ये वैल्यू जीरो आ जाएगी सो so, इसकी भी वैल्यू जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो तो तीनों का सम पूछा है सो so, जीरो, जीरो प्लस जीरो विल बी जीरो सो करेक्ट आंसर शुड बी ए थोड़ा ज्यादा पापड़ बिलवा दिया ये वाला प्रॉब्लम क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वन बाई एच स्क्र हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पा रहे थे फिर धीरे धीरे हमें एक आइडिया स्ट्राइक हुआ कि बेसिकली हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं जी आई एफ की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से बेटा आपको एग्जाम में भी करना है काफी ज्यादा समय भी ले लिया यार इसी क्वेश्चन में अभी तक सोचो दो क्वेश्चन सिर्फ सत्ताईस मिनट में हुए वेरी बैड ओके मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री थर्टी थ्री की तरफ हम मूव करते हैं यार लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन बाई रूट टू पॉजिटिव कॉस इनवर्स ओ हो ये तो पूरा का पूरा इनवर्स ट्रिगो यूज करा देगा यार आपको अगर इनवर्स ट्रिगो आपको नहीं आता है तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा पक्की बात है देखो ये दोनों का दोनों सेम ही लिमिट आपको दिया है ये जो फंक्शन है ये देखो इसमें भी सेम है यहां भी सेम है

टाइम भी देख रहे हो ज्यादा लगने लग गया एक बार करके देखते हैं अच्छा जब भी ऐसा कोई फॉर्म बनता है तो हम क्या करते हैं ऊपर देखो इसको सॉल्व करें पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा तो ऊपर क्या बन जाता है कॉस इनवर्स टू टाइम्स साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन और लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन बाई पॉजिटिव अब अगेन यहाँ पे क्या कहानी है Limit to by root positive, और ये कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स टूटा नहीं साइन थीटा ओके यहाँ एक्स माइनस वन बाई रूट टू एक चीज तो आप सभी को पता होगी कि ये डायरेक्ट हम यहाँ पे तो कुछ नहीं लिख सकते लेकिन लेकिन कॉस इनवर्स कॉस ठीटा जो है ये ठीटा होता है लेकिन कब लेके पाई के बीच में ठीटा हो तो अगर मैं यहाँ पे करू लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन बाई रूट टू पॉजिटिव कॉस इन वर्स है ना और ये जो साइन टू ठीटा इसको मैं लिख लू भाई साहब कॉस अब आपको ये बताना मैं पाई बाई टू माइनस टू क्योंकि बात देखो बराबर आएगी ये चीज लिखू या फिर मैं ये दोनों में से कौन? अब आपको ये सोच के बताना है कॉस इनवर्स टू 2 माइनस पाई बाई टू लिख बहुत मजा आने वाला है यार ट्रस्ट में बहुत मजा आने वाला है क्या लिखू और थीटा क्या अगेन मैं आपको बताता बेसिकली थीटा यहां से हमने लिखा था सो थीटा इज साइन इनवर्स एक्स इसमें से मेरे को कौन सा रिलेशन यूज करना है ताकि मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दूं कहोगे भैया आपने बताया कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा अभी यहाँ पे थीटा क्या ट्रीट हो रहा है अभी यहाँ पे थीटा दिस वन इज गोइंग टू बी ट्रीटेड है ना ये वाला ट्रीट हो रहा है तो आप ध्यान से देखो को ये दोनों वैल्यू में से कौन से ऐसे वैल्यू जो जीरो से पाई के बीच में लाई कर रहा है अब समझ में आएगा आपको कि भाई साहब जब यहां पे हम देख रहे हैं तो टू थीटा है थीटा क्या है साइन इनवर्स x है सो so, बेसिकली क्या है पाई बाई टू माइनस

ग्रेटर देन पाई बाई फोर क्योंकि वन बाई रूट टू प्लस हम यहाँ पे लिख रहे हैं अब समझो पाई बाई फोर से अगर बड़ी हो गई वैल्यू जैसे पाई बाई फोर से बड़ा कुछ भी ले लो मान लो पाई बाई टू ले लिया है ना तो क्या आ जाएगा भैया ये निगेटिव में आ जाएगा निगेटिव तो मेरे को चाहिए ही नहीं पाई बाई फोर तक तो ये वैल्यू देखो जीरो आ रही थी अगर हम पाई बाई फोर लिए अगर पाई बाई फोर से बड़ा हमने ले लिया तो ये वैल्यू निगेटिव आने लगेगी जो कि मेरे को मंजूर नहीं निगेटिव नहीं चाहिए भैया मेरे को ये चल सकता है टू थीटा माइनस पाई बाई टू चल सकता है क्योंकि टू थीटा पाई बाई टू से बड़ा होगा बिकॉज बिकॉज थीटा इज ग्रेटर देन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव तो जब पाई लेंगे तो ये बड़े में से घटाएंगे तो काम हो जाएगा जीरो से पाई के बीच में लाई करेगा सो वी आर गोइंग टू इग्नोर दिस वन वी आर गोइंग टू टेक दिस वन सो यहां पे क्या करेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन बाई रूट टू पॉजिटिव है ना ज इनवर्सा अब यहां पे डायरेक्ट हम आंख बंद करके टूटा माइनस पाई बाई टू लिख सकते हैं लेकिन हम हर जगह इस चीज को भूल रहे इस प्यारे को भूल माइनस एक्स माइनस वन बाई रूट इसको मत भूलो यार ये तो देखो अच्छा आदमी है ना है ना अब देखो थीटा को हम यहाँ पे बदल लेते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन बाई रूट टू पॉजिटिव ये टू टाइम्स साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई टू Divided by एक्स माइनस वन बाई रूट अब क्या है भैया डायरेक्ट कहानी लिखी जाए लिमिट एच अटेंडिंग टू जीरो कर देता हूं मैं ये हो जाएगा टू टाइम्स साइन इनवर्स वर्स वन बाई रूट टू प्लस एच ये वाला कॉन्सेप्ट यार आना चाहिए अगर नहीं आता तो एक बार कमेंट में आप बता दो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा नहीं तो बाद, बाद में यार तुम लोग परेशान करोगे है ना अभी क्या है अगर जीरो रखते हैं तो ऊपर बन गया टू इंटू, जीरो जीरो तो इंटू वन डिवाइडेड बाई रूट ओवर वन माइनस वन बाई रूट टू प्लस एच का होल स्क्वायर पाई बाई टू की कहानी जीरो यहां वन है ना अब जब हम वैल्यू h को जीरो पुट करेंगे यहाँ बनेगा जाएगा वन माइनस वन बाई और वन बाई टू रूट में तो बेसिकली ऊपर जाके ये टू रूट टू हो गया मेहनत लग रहा है यार हर सवाल में समझाने में तो लाइक जरूर कर देना तो पहले वाले पार्ट का जवाब मिल गया टू रूट टू अब हम दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं माइनस में दिया लेकिन अभी हम माइनस को एज्यूम नहीं करते हैं अब हम क्या कर रहे हैं भाई अब हम ऐसा करते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन बाई रूट टू माइनस वाली कहानी लेते हैं ठीक है और ये अगेन सेम कहानी देखो कॉस इनवर्स अब यहाँ पे क्या लेना है मेरे को साइन टू थीटा चलो मैं लिख लेता हूँ ठीक है ना और नीचे अगेन सेम कहानी एक्स माइ हमने वो प्रोसेस यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया अब मेरे भाई तुम ये बताओ मैं यहां पे कॉस पाई बाई टू माइनस टू या फिर टू ठीटा माइनस पाई बाई टू मेरे को इस वाले केस में पाई बाई टू माइनस टू थीटा लेना है या टू थीटा माइनस पाई बाई टू लेना है मुझे जीरो से पाई के बीच में उसकी वैल्यू चाहिए तो कहोगे भैया अगर आप देखो यहाँ पे वन बाई रूट टू माइनस की कहानी चली मतलब कि अब जो थीटा है वो पाई बाई फोर से छोटा आ रहा है अरे यार थीटा क्या है साइन इनवर्स एक्स है साइन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन अगर वन बाई रूट टू पाई बाई फोर पे आता है तो वन बाई रूट टू माइनस पहले आएगा तो थीटा जो है लेस देन पाई फोर यहां से से बोल रहा हूं तो पाई फोर छोटा है तो अगर आप यहां पे लोगे तो हो जाएगा क्योंकि पाई बाई फोर पे ये जीरो एग्जैक्ट आ रहा है पाई बाई फोर से बड़े पे पॉजिटिव आता लेकिन पाई बाई फोर से छोटी वैल्यू लोगे तो ये निगेटिव निगेटिव नहीं चलेगा यहां पे आप देखो ध्यान से ये जीरो से पाई बीच करेगा। so, हम ये अच्छा जो खुद से एक बार सॉल्व नहीं किया होगा और जो नहीं समझ पा रहा है उसका यही मेन रीजन है कॉस इनवर्स कॉस अब हम यहाँ भी यूज करेंगे पाई बाई टू माइनस नहीं तो इतने बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ दोस्त तब फिर आप कहीं नहीं समझ पाओगे अगर यहाँ नहीं समझ आ रहा फिर कहीं आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि आपने किया ही नहीं है खुद से ठीक है अब क्या कहानी है कहोगे अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं लिमिट टू माइनस ऊपर बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स और ये कहानी है एक्स माइनस वन बाई रूट अब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसे यार ये हो जाएगा लिमिट अटेंडिंग टू तो जीरो पाई बाई टू माइनस टू साइन इनवर्स ठीक है ये क्या हो जाएगा वन बाई रूट टू माइनस एच और नीचे क्या है वन बाई रूट टू माइनस एच माइनस वन बाई रूट टू वन बाई रूट टू माइनस एच माइनस वन बाई रूट टू ये हो गया गायब अब क्या है लॉपिटल लगा देंगे क्योंकि ऊपर भी जीरो बन रहा है नीचे भी जीरो बन रहा है तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस टू इन टू ये हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई रूट ओवर वन माइनस वन बाई रूट टू माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस एच को चैन रूल्स लगाना मतलब भूल जाना माइनस वन एक माइनस गायब हो गया अब जैसे ही हम यहाँ पे जीरो रखते थे ये फिर से रूट टू जाएगा ऊपर तो टू रूट टू और ये माइनस तो ये माइनस टू रूट टू आ रहा है तो पहला क्वांटिटी टू रूट टू बना ये बना माइनस टू रूट टू दोनों को ऐड कर दो टू रूट टू प्लस टू रूट टू आंसर कितना आ जाएगा फोर रूट टू माइनस माइनस प्लस कर दिया तो आंसर चेंज करे ये भी सवाल हल्के में मत ले लेना ले कि भाई ये हल्के में है ये भी काफी खतरनाक है आज के जितने भी सवाल मिल रहे हैं सब खतरनाक पूरा का पूरा टाइम ही किल कर दे इतना सोचना अगर पड़ेगा फिर एग्जाम में कैसे काम चलेगा यार तीन क्वेश्चन हो गए और अभी टाइम हो गया सैंतीस मिनट में सिर्फ तीन क्वेश्चन क्योंकि समझाना पड़ रहा है ओके okay. अरे यार ये भी खतरनाक लग रहा है लग रहा है आज डेढ़ घंटे लग जाएंगे पूरे दस सवाल में ठीक है कोई दिक्कत नहीं यार आपके लिए ही है रैंकर से रैंकर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू लिमिट एंड टेंडिंग टू इनफाइनाइट सिग्मा ये पूरा का पूरा कोई ऐसा डायरेक्ट फार्मूला तो यार इसका नहीं देखा गया है कैसे इसे सॉल्व किया जाए हाँ एक काम किया ज़रूर जा सकता है कि इन भाई साहब को और इन भाई साहब को साथ मिले और एलिमिनेट करें इन भाई साहब और इन भाई साहब को साथ मिले और एलिमिनेट करें ये काम किया जा सकता है और ऐसा कोई डायरेक्ट फार्मूला इसका मैंने नहीं देखा है आज तक तो क्या हो जाएगा भाई लिमिट एंड टेंडिंग टू इनफाइनाइट मैं दोनों को अलग अलग लेता हूं ठीक है तो ये सिग्मा के इज इक्वल टू वन से लेके एन तक साइन पाई बाई टू के माइनस साइन पाई बाई टू के प्लस टू अच्छा ये अलग है ये एक लिमिट हमने ले लिया और दूसरा हम लिमिट लेंगे प्लस लिमिट एंड टेंडिंग टू इनफाइनाइट अब सिग्मा भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एडिशन के ऊपर तो हम दूसरा सिग्मा यहाँ से लगा लेते हैं सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट चारों के ऊपर आप अलग अलग भी सिग्मा डाल सकते थे हाँ एड डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई टू टाइम्स के प्लस टू माइनस कॉस पाई बाई टू के है ना ओके okay, अब ये दो हमें लिमिट्स सॉल्व करने हैं यहाँ पे मुझे क्या बेनिफिट दिख रहा है कि जब मैं ओपन करूंगा तो कुछ टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाया करेंगे फिर लास्ट में हम लिमिट टेंडिंग टू तो इनफाइनाइट रख लेंगे सो पार्ट नंबर वन मेहनत लगेगा दोस्त आज आज मेहनत करना है अपने को पार्ट वन की कहानी देखते हैं सो सिंपली वी आर गोइंग टू सोल्व सिग्मा के इज इक्वल टू दिख रहा है ना डिस्प्ले पे ठीक है ये क्या है साइन पाई बाई टू के एंड माइनस साइन पाई डिवाइडेड बाई टू टाइम्स के प्लस टू वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्या करना है ओपन करो और कैंसिल आउट करो खोज खोज के एक एक को खोज खोज के कैंसिल आउट करो है ना इसके लिए क्या है कि मेरे को एक एक्स्ट्रा पेज भी ऐड करना पड़ेगा न्यू स्लाइड न्यू स्लाइड वाइट कैसे हो गया यार चलो कोई दिक्कत नहीं है यार ठीक तो है तो ऐसा है यहां पे सॉल्व करते हैं ये दिख रहा है ना ठीक है सिग्मा के इज इक्वल टू वन से एन तक थोड़ा स्लाइड बदलेगा तब तो मजा भी आएगा है ना प्लस टू क्या यही है अच्छा यार इसमें कई बच्चों को दिक्कत आती है कि भैया कैंसिल आउट हम कैसे करें इसमें बड़ा प्रॉब्लम आता है जब भी आपको ऐसी कोई दिक्कत आए आप लार्ज नंबर में एक्सपेंड कर लो चार से टर्म लेके चलो जैसे देखो, मैं यहाँ पे करता हूं, ना? ध्यान से देखना थ्री टू जा सिक्स साइन पाई बाई सिक्स प्लस अब के इज इक्वल टू टू एन तक हमें जाना है के इज इक्वल टू टू रखेंगे तो साइन पाई बाई फोर हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई दो चार दो नी आठ हो जाएगा ठीक है प्लस फिर तीन रखते हैं तो साइन पाई बाई दो पांच दस बाई तो टेन हो जाएगा है फिर प्लस करते हैं यार, पाई एट हो जाएगा, चार रखने पर चार, चार दो छुनी बारह है ना दो दो बढ़ रहा है जैसे दो दो चार दो छ दो आठ छ और दो आठ दो दस दो बारह इसी तरीके से बढ़ रहा है ना बस चार ही तक करते फिर डॉट 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 को डॉट डॉट ये कहानी चलती जाएगी अब लास्ट में हम डायरेक्ट एन का नहीं लेंगे यही गलती कई बच्चे करते हैं जिससे वजह से उनका पूरा का पूरा का काम गड़बड़ हो जाता है चार टर्म पीछे से लो, एन -4 से लो स्टार्ट करो देखते हैं कैसे गलत होता है यार साइन पाई बाई टू टाइम्स एन माइनस फोर लो साइन पाई बाई यहाँ पे जब एन माइनस फोर रखेंगे तो ये एन माइनस टू बनेगा एकदम ध्यान से बड़ा मजा आने वाला है प्लस एन माइनस थ्री लो पाई बाई टू टाइम्स एन माइनस थ्री हो जाएगा और यहाँ जब एन माइनस थ्री रखेंगे तो साइन पाई बाई टू टाइम्स एन माइनस वन हो जाएगा फिर प्लस करो एन माइनस वन तक हो गया माइनस टू तो हो गया और इधर माइनस साइन पाई बाई टू एन बन जाएगा है ना और इधर अगर आप फिर से नहीं करोगे एन माइनस टू तक हो गया अब एन माइनस वन पे आते हैं तो साइन पाई बाई टू एन माइनस वन हो जाएगा और इधर एन माइनस वन रखोगे तो साइन पाई बाई टू टाइम तो एन तो प्लस एन माइनस एन प्लस टू हो जाएगा देखो अब कैसे नहीं क्लियर होंगी आपको चीजें देखना ध्यान से ये कलर विजिबल है ना आप ध्यान से देखो ये हो गया भाई साहब गायब पाई बाई एट भी हो गया आपका गायब है ना अभी क्या है ये देखो साइ, साइन माइनस साइन फाइव बाई टेन को गायब करने वाले बहुत बचे हैं ये जो दूसरा वाला टर्म है इसको कौन गायब कर रहा है तीसरा चौथा पांचवा तो यहां से तीसरा टर्म गायब इसे कर रहा है एक दो तीन इसे कौन कर रहा है इसका तीसरा टर्म गायब कर रहा है तो इसे कौन गायब कर रहा होगा इसका तीसरा टर्म गायब कर रहा होगा अगर एक आगे आप और लिखे होते तो जस्ट इसके बाद साइन फाइव बाई के बाद साइन फाइव बाई ही आ रहा होता है ना उसे गायब कर रहा होता लेकिन इन लोग को कोई नहीं गायब कर सकता ये लोग महानुभाव बैठे हुए हैं ठीक है थीके? अब क्या इसी तरीके से आप इधर भी देखोगे है ना कि भैया यहाँ पे जो ये टू एन वाले भाई साहब इनको इन्होंने गायब कर दिया एक दो तीन है ना और अगर आप ध्यान से देखोगे टू एन माइनस टू इसको गायब कर दिया टू एन माइनस वन भी गायब हो गया है ना टू एन प्लस वन नहीं गायब हो पाया वो बच गया थ्री उसी तरीके से किसी पहले वाले से गायब हो रहा होगा इसी तरीके से ये भी किसी से गायब हो रहा होगा लेकिन ये दोनों बच गए क्योंकि एक, दो, इनका कोई ही नहीं है तो इधर ये लास्ट में दो बच गए और स्टार्टिंग में ये दो बच गए अब समझो क्या कहानी है ये साइन पाई बाई टू होता है वन है ना साइन पाई बाई फोर होता है वन बाई रूट टू और ये हमारे पास बचा साइन पाई बाई टू एन प्लस वन इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा गारंटी इस चीज की साइन पाई बाई टू एन प्लस टू ये हमें क्या वैल्यू मिली सिग्मा की लेकिन मेरे को चाहिए लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट लगा लो यहां लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट लाल दिख रहा है तो जैसे लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट रखेंगे यहां क्या पाई बाई इनफाइनाइट जीरो साइन जीरो साइन जीरो साइन जीरो साइन जीरो कितना होता है? जीरो जीरो होता है और ये एज इट इज रहेगा तो इसकी वैल्यू वन प्लस वन बाई रूट टू आ गई ए, लगा तो इसकी जो वैल्यू आई भैया ये पर्टिकुलर की वन प्लस वन बाई रूट टू आ गई आ गया अब हम बात करेंगे कॉस वाले भैया की तो कॉस वाले के लिए चलिए अगले पेज पे चलते हैं तो लिमिट एंड टेंडिंग टू इन फाइनाइट है इनकी कहानी और अगेन सिग्मा के इज इक्वल टू वन से लेके एन तक कॉस पाई बाई टू टाइम्स के प्लस टू माइनस कॉस पाई बाई टू के जहां तक मुझे लग रहा है कि यही लिखा है कॉस पाई बाई टू के प्लस टू माइनस कॉस पाई बाई टू के है ना अब इसमें भी सेम आप वन लिख के ओपन करते चलो तो ये हो जाएगा कॉस तो पाई बाई दो एक तीन दूनी छ फाइव बाई सिक्स हो गया माइनस कॉस पाई बाई टू हो जाएगा ठीक है प्लस इसी तरीके से यहां पे क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई दो रखा तो दो दो चार या आठ एट माइनस कॉस पाई बाई फोर फिर इसी तरीके से क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई टेन माइनस कॉस पाई बाई सिक्स फिर इसी तरीके से कॉस पाई बाई ट्वेल्व माइनस कॉस पाई बाई एट है ना और फिर डॉट 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 एन माइनस फोर तक चलते हैं हम एन माइनस फोर से स्टार्ट करते हैं तो कॉस पाई बाई टू टाइम्स एन माइनस फोर कर रहा था एन माइनस टू आ गया और इधर माइनस कॉस पाई बाई टू टाइम्स एन माइनस फोर हो गया ठीक है अब क्या है जैसे हम फिर आगे बढ़ते एन माइनस थ्री रखते हैं तो कॉस पाई बाई टू टाइम्स एन माइनस थ्री रखा तो एन माइनस वन हो जाएगा ठीक है और इधर कॉस पाई बाई टू एन माइनस थ्री होगा फिर आगे बढ़ते हैं एन माइनस थ्री वाला हो गया कहानी अब एन माइनस टू की बात आएगी तो ये एन सिंपली बचेगा और इधर माइनस टू, टू प्लस टू यही तो होता है अब एन माइनस वन की बात आएगी तो कॉस पाई बाई एन माइनस वन जब रखेंगे तो यहां एन प्लस वन हो जाएगा तो टू टाइम्स एन प्लस वन और उधर पाई बाई कॉस एन माइनस वन अब एन की हम बात कर लेते हैं मैं इतना ज्यादा एक्सपेंशन इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीज घुस सके एन प्लस टू हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे रख रहे हैं सिंपली एन और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई टू एन अब कैंसिल आउट करते हैं ध्यान से समझना ये हो गया इससे गायब ठीक है पाई बाई टू वाला नहीं हो रहा है पाई बाई एट वाला भी गायब हो गया ठीक है और पाई बाई फोर वाला पाई बाई फोर वाला गायब हो रहा है क्या अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस कॉस पाई बाई फोर था कॉस पाई बाई फोर वाला किसी से गायब नहीं हो पाएगा और ये वाले भाई साहब भी जहां तक लग रहे हैं कि ये भी किसी से आपका गायब नहीं होगा वन से यहाँ स्टार्ट हुआ था है ना पाई बाई फोर अब कहीं आगे प्लस में आएगा क्या इसमें कहीं पाई बाई फोर आएगा क्योंकि ये स्टार्ट ही हो रहा है छः फिर आठ फिर दस फिर बारह जा रहा है तो बेसिकली पाई बाई फोर तो आने का कोई चांस ही नहीं बन रहा है ये सिंपली कितना रहेगा ये हमेशा ही माइनस कॉस फाइव बाई फोर होने जा रहा है ठीक है ना तो ये चीज़ बच गई और हमारे पास ये वाली चीज़ बच गई भाई साहब अब क्या कहानी है यहाँ पे देखते हैं तो टू एन माइनस टू ये गायब हो गया ठीक है एन माइनस वन इससे गायब हो गया और टू एन भी देखिए गायब हो गया ठीक है अब जी हो जो दो चीज़ें बच रही हैं भाई ये दोनों किसी से गायब हो रहे होंगे ये लेकिन किसी से गायब नहीं हो पा रहा होगा ये जो दो चीज है ये किसी से गायब नहीं हो पा रहा होगा तो बेसिकली हमारे पास जो वैल्यू बची कितनी बची यार कॉस पाई बाई टू होता है जीरो ये बचा माइनस वन बाई रूट टू ठीक है और यहां से क्या है कॉस पाई बाई टू एन प्लस टू ठीक है और यहां से पाई बाई टू एन प्लस वन कॉस पाई बाई टू टाइम्स एन प्लस वन अब हमें लेना क्या है कहोगे भैया लेना हमें है लिमिट एंड टेंडिंग टू इन यही तो मेरे को चाहिए था तो जैसे इनफाइनाइट रखेंगे तो कॉस में जीरो बन रहा है कॉस जीरो होता है वन कॉस जीरो होता है वन तो वन प्लस वन टू तो ये बेसिकली बन रहा है टू माइनस वन बाई रूट तो क्या कहानी है ये कहोगे भैया ये जो वैल्यू बन, बन रही है टू माइनस वन बाई रूट टू बन रही है ठीक है अब क्या है दोनों को ऐड कर दो वन प्लस वन बाई रूट टू प्लस टू माइनस वन बाई रूट टू ये गायब हो गया बचा थ्री सो राइट आंसर विल बी आंसर नंबर डी तो डी क्या है डी थ्री तो थ्री इज द राइट आंसर तो ये भी यार काफ़ी लेंदी प्रॉब्लम हो गया मज़ा नहीं आ रहा है अब सच में मैं बोर हो गया ये कट पिट कट पिट करते हुए क्योंकि ये एक्सर एक्सपेंशन यार अगर इसे हम चार चार टर्म तक नहीं लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे आप इस चीज को रियलाइज ही नहीं कर पाओगे कि यार ये चीज़ मिलेगी कहाँ से है ना और अभी भी जो बच्चे खुद से लिख के नहीं करेंगे वो नहीं समझ पा रहे होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ छोटा सवाल दिख रहा है लेकिन छोटा देखने में होगा ही तो क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव की हम बात कर लेते हैं क्या है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो प्लस वन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के पावर टू बाई एक्स वेयर दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू तो क्या है भैया लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो प्लस है वन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के पावर टू बाई एक्स अच्छा जीरो प्लस है तो जीरो पॉइंट समथिंग तो ये ज़ीरो हो गया वन के पावर इन फाइनाइट टाइप है ठीक है तो कैसे इसे सॉल्व करें यार लिमिट एच अटेंडिंग टू जीरो मैंने कर दिया वन प्लस ये जीरो प्लस एच हो गया के पावर टू बाई जीरो प्लस एच हो गया ये हो जाएगा भैया लिमिट एच अटेंडिंग टू जीरो ये वन प्लस जी आई एफ ऑफ एच के पावर टू बाई एच अच्छा आपको एक प्रॉपर्टी शायद जी आई एफ की पता होगी यार कि जी आई एफ ऑफ एनी इंटीजर प्लस सम नंबर इज वन प्लस दैट नंबर ये पता है कि नहीं पता है कि इंटीजर हमेशा बाहर चला आता है और एक प्रॉपर्टी और पता होगा कि जी आई एफ ऑफ एनी फंक्शन इज द जी आई एफ ऑफ सेम फंक्शन तो यहाँ भी देखो वन प्लस है तो बेसिकली हम इस चीज को क्या लिख पाएंगे लिमिट एच अटेंडिंग टू जीरो बेसिकली वन प्लस जी आई एफ ऑफ जी आई एफ ऑफ एच लिख सकते हैं और ये पावर में टू बाई एच है समझो बड़ा मजा आ रहा है इस प्रॉब्लम में मुझे है ना अब यहाँ पे सिंपली ये एज इट इज ही ब्रैकेट है तो वन के पॉवर जी ही होता है तो, 1 के ही तो बन रहा है तो कैसे लिखेंगे लिमिट इ टू द पावर लिमिट एच अटेंडिंग टू जीरो जी आई एफ ऑफ एच इन टू टू बाई एच ठीक है अब कैसे सॉल्व किया जाए भाई e के पावर यहाँ टू लिख लेता हूँ लिमिट h एच टू जीरो और ये जो भाई साहब उनको मैं h माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h लिख लेता हूँ ये h हो गया तो e के पॉवर टू टाइम जीरो अब देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट है सिंपल तो ये वन हो गया उसको डिवाइड करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एच हमेशा एच ही होगा तो एच बाई एच वन हो जाएगा तो ई e के पावर टू टाइम जीरो इन टू जीरो है तो ई के पावर जीरो होता है तो विल बी द राइट आंसर दैट इज बी ऑप्शन विल बी करेक्ट सो करेक्ट आंसर इज बी तो इजी प्रॉब्लम था बहुत ज्यादा इसमें टफ नहीं था थोड़े बहुत जी आई एफ की अदरवाइज कोई बच्चे इसे देख के भी कर देता अगर अपने मन में ही आप वैल्यू पुट करके करते तो फाइन मूविंग अहेड क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स अब थोड़ा सा हमारा फ्लो लग रहा है बन जाएगा ये कलर कैसा विजिबल है ठीक है इफ एम एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन दिस वैल्यू इज अगर हम जीरो रखते हैं तो कॉल जीरो वन माइनस वन बाई जीरो जीरो हो रहा है आग बंद करके लॉपटर लगाओ क्योंकि नीचे बहुत बड़ा क्वांटिटी नहीं है तो ये हो जाएगा वन बाई एम कॉस एक्स के पावर वन बाई एम माइनस वन ठीक है हट जा भाई अभी रास्ते से माइनस साइन एक्स यही बनेगा ना चैन रूल लगाएंगे तो ओके माइनस यहां भी सेम कहा नहीं वन बाई एन कॉस एक्स के पावर वन बाई एन माइनस वन और यहाँ पे अगेन माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो गया टू एक्स अब समझो एक्स को तो हम ले जा सकते हैं साथ साथ में लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है ये माइनस साइन एक्स बाई एक्स यहाँ कर लिया माइनस वन बाई एन कॉस एक्स के पावर वन बाई एन माइनस वन माइनस साइन एक्स के साथ यहाँ पे एक्स कर लिया और ये टू हो गया है ना अब जैसे ही वैल्यू रखोगे यार ये तो वन हो गया ये भी वन ले माइनस ये भी याद रखना ठीक है तो ये क्या बन गया भाई साहब ये माइनस वन बाई एम उधर प्लस माइनस माइनस प्लस वन बाई एन नीचे टू हो गया तो ये क्या बन गया भाई साहब कहोगे एम माइनस एन डिवाइडेड बाई टू एम एन तो डेट इज ऑप्शन नंबर सी तो सी इज द राइट आंसर तो ये तो एक लाइन का सवाल था एनसीईआरटी लेवल आगे बढ़ते हैं मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन इसे सॉल्व करने की कोशिश की जाए क्या कह रहा है भाई सवाल द वैल्यू ऑफ ऑर्डर दैट इज अच्छा ऐसा सवाल जब भी आता है जब हमें वैल्यू बतानी होती है तो मैंने आपको बता रखा है एक्सपेंसन का यूज बहुत तरीके से करना है ए टाइम्स कॉस एक्स तो कॉस एक्स होता है वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दॉर फोर बाई फोर फैक्टोरियल डॉट 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 माइनस बी टाइम्स साइन एक्स का एक्सपेंसन एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब फाइन अब क्या है भैया लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है ना ये क्या है यार तो अगर भैया ये एक्स के साथ जो आ रही है कहानी ये वन आ रहा है प्लस ए आ रहा है माइनस बी आ रहा है सब जगह से मैं ले ले रहा हूँ और जो एक्स स्क्वायर के साथ कहानी आ रही है किसकी आ रही है एक्स स्क्वायर तो है नहीं यहाँ एक्स क्यूब है सिंपली तो एक्स क्यूब मैं प्लस में लेता हूँ यहाँ पे तो ये माइनस ए बाई टू फैक्टोरियल और उधर से प्लस बी बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे अब एक्स के पावर फोर की कहानी मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है आपको समझ जाना पड़ेगा कि मेरे को इससे कोई मतलब ही नहीं क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू जो चाहिए भैया ये वन चाहिए तो भाई साहब मुझे एक्स के पावर फोर से कोई मतलब ही नहीं क्योंकि उधर की सारी वैल्यू जीरो होने जा रही है क्योंकि जब मैं एक्स क्यूब से इसे डिवाइड करूंगा एक एक्स तो बच जाएगा इधर कुछ भी हो जीरो इंटू मुझे सिर्फ इतने से ही मतलब है अब मेरे को ध्यान से समझो मुझे एक फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू चाहिए यहाँ एक्स मेरे पास जो रास्ते में ये मेरा कांटा बन रहा है तो इस कांटे को मुझे खत्म करना पड़ेगा जड़ से इसलिए मुझे ये जीरो करना पड़ेगा इफ आई एम विलिंग टू गेट वन अब देखो जैसे ये जीरो हो गया मैं इससे इसको कैंसिल आउट करूं उधर की सारी क्वांटिटी जीरो अपने आप हो जाएंगी तो ये जो चीज बनेगा दैट विल बी माय फाइनल आंसर ए बाई टू फैक्टोरियल तो टू ही होगा प्लस बी बाई सिक्स सुड बी इक्वल टू ये लिमिट के बराबर होगा वन जिसे एकदम नहीं आता यार उसे मैं नहीं समझा पाऊंगा अब ठीक है ये क्या हो गया कहानी क्योंकि भैया बी माइनस ए इज इक्वल टू वन हो गया यहाँ क्या कहानी है क्योंकि भैया ये माइनस थ्री ए प्लस बी इज इक्वल टू सिक्स हो गया ऐसा भाई सब दोनों को सब्रैक्ट कर दिया माइनस ए प्लस थ्री है तो ये हो जाएगा फोर ए नहीं माइनस ए प्लस थ्री है तो ये हो जाएगा टू ए और यहाँ पे माइनस फाइव बनेगा ए आ गया माइनस फाइव बाई टू तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए ए आ गया माइनस फाइव बाई टू अब बी निकल जाएगा तो भी कितना हो जाएगा वन प्लस ए तो वन प्लस माइनस फाइव बाई टू माइनस थ्री बाई टू ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इज ए तो ये भी आसान सवाल था ऐसे सवाल जेई मेन में बहुत ज्यादा तरीके से पूछे जाते हैं. सो आई कैन बेट कि ये जेई मेन का फेवरेट है और आपके भी शिफ्ट में हंड्रेड परसेंट तरीके से आएगा सो दिस इज वार, दिस इज जेई मेन फेव ठीक <coughs> है ओके सैतीस क्वेश्चन तक हमने कर लिए हैं यार अब हम बढ़ेंगे इससे आगे क्वेश्चन नंबर थर्टी एट ये तो हो जाएगा जहां तक लग रहा है भैया आपसे क्या कहानी है वाट इज दैल्यू ऑफ ए प्लस बी इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो दिस मच इज वन बाई टू ओके अगर हम एक्स को जीरो पुट करें और वो वन बाई टू चाहिए तो अगर जीरो पुट करोगे तो ये जीरो हो गया और वहां भी cos जीरो वन लॉग वन जीरो जीरो ऊपर भी बना नीचे भी बना तो यहाँ पे हम लॉपिटल लगा सकते हैं आराम से है ना ठीक है लॉपिटल लगा लेते हैं और भी तरीके होंगे तो जैसे लॉपिटल लगाओगे तो यहां बनेगा ए टाइम्स कॉस ए एक्स माइनस ये हो जाएगा वन बाई ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स इन टू क्या बनेगा ई टू द पावर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स ठीक है डिवाइडेड बाई यहां एक्स साइन बी एक्स का क्या बनेगा साइन बी एक्स प्लस बी एक्स कॉस बी एक्स यही बन रहा होगा अब जब हम जीरो रखते हैं तो हमें क्या मिलता है भाई पहले तो ये देखो ई के पावर x से ये गायब हो गया और बचा के अंदर तो थोड़ा सा मैं इसे और सिंप्लीफाई कर लेता हूं है ना क्या बच रहा है ए टाइम्स कॉस ए एक्स और ये कॉस एक्स अगर हम डिवाइड कर देंगे ठीक है ना तो ये माइनस है और ये बेसिकली माइनस टेन एक्स प्लस वन बन जाएगा डिवाइडेड बाई साइन बी एक्स प्लस बी एक्स टाइम्स कॉस बी एक्स बनेगा ग्रेट अभी क्या कहानी है भाई कहो भैया यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो जीरो रखते हैं तो ये ए बनता है ठीक है और यहां पे जीरो रखते हैं जीरो बनता है ये वन हो रहा है अब आप समझो ध्यान से आपसे कहा जा रहा है भाई ये जो लिमिट है ये वन बाई टू होना चाहिए लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे जीरो रख रहा हूं नीचे तो जीरो बन जा रहा है ऊपर क्या बन रहा है ए बन रहा है और ये जीरो तो हो जा रहा है माइनस वन बन रहा है ऊपर a माइनस वन नीचे जीरो क्या कभी ये पॉसिबल होगा कि ये वन बाई टू आए हो गए नहीं ये अंडिटर्मिनेट फॉर्म में होगा तभी तो हम इस लिमिट को सॉल्व कर पाएंगे तो मुझे मजबूरन इन भाई साहब को भी जीरो पुट करना पड़ेगा सो फ्रॉम दिस वी विल गेट ए इज इक्वल टू वन तो एक कहानी मेरे को मिल गई कि भाई साहब ए वन होगा हंड्रेड परसेंट तभी जाके कहानी आगे बढ़ेगी तो एक को वन रख के अब सॉल्व करेंगे अपन तो ये क्या हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो आपका टेन एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई साइन बी एक्स प्लस बी एक्स कॉस बी एक्स ठीक है अब क्या करते हैं फिर से एक बार लगाते हैं अब जब जीरो रखोगे जीरो बाई जीरो बन रहा है अब सॉल्व कर सकते हैं लॉपिटल लगाओ तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ऊपर क्या बनेगा कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन साइन एक्स 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 टेन का हो जाएगा डिवाइडेड बी एक्स का बन जाएगा बी कॉस बी एक्स इन भाई साहब का एक बार तो हो जाएगा बी कॉस बी एक्स लेकिन दूसरी बार जब हम करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट तो माइनस बी स्क्वायर एक्स साइन बी एक्स बनेगा अब रखो जीरो अब जैसे ही जीरो रखते हैं तो ऊपर बनता है वन डिवाइडेड बाई यहां बनता है बी यहां भी बनता है बी वो बन जाता है जीरो तो ये आ गया वन बाई टू बी। यही लिमिट ही दिया है कि ये वन बाई टू के बराबर है ये वन बाई टू के बराबर है तो बी कितना आ गया वन तो भाई साहब बी की वैल्यू भी आ गई वन पूछा ए प्लस बी तो वन प्लस वन दैट इज टू ऑप्शन नंबर बी सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट थर्टी एट बी हलवा शुरू में यार दिमाग खराब हो गया लेकिन थर्टी नाइन ये बच्चों वाला सवाल दिख रहा है एकदम साफ साफ आपको भी चमक गया होगा अभी तक नहीं समझा फिर भाई अगर नहीं आपके दिमाग में चमका फिर दिक्कत है देखो दिमाग का इलाज कराओ क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है ये लिखा भले ही कॉम्प्लेक्स क्यूब वाले के एक साथ ले लो यार कितना आसान है डॉट 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 एन क्यूब माइनस हटा के वन स्क्वायर देखो क्या बन जाएगा कि नहीं यार तुम लोग को यह सब फॉर्मूला अगर नहीं याद है फिर देखो दिक्कत है पावर एन बाई फोर यहाँ पे है ना अब कितना आसान सा ये लिमिट बन गया लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट है ना ये क्या है भैया एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाई फोर ये एन के पावर फोर माइनस लिमिट को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ अब ये क्या है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स के पावर एन बाई फोर अब ये तो एक छोटा बच्चा भी सॉल्व कर देगा मैं बता रहा हूं अगर वो ब्लैक बुक देख रहा है तो ठीक है तो क्या है कहानी यहां से एन स्क्वायर कॉमन लोग है तो ये बन रहा है देखो लिमिट एन टू इनफाइनाइट एन स्क्वायर इसमें से कॉमन लिया एन ही बेसिकली कॉमन लिया तो एन स्क्वायर आ जाएगा इसमें तो से एन इस लिया इसमें से भी एन लिया तो एन क्यूब बन रहा है यहाँ एन के पावर फोर है देखो ध्यान से बहुत आसान होता है ये गायब कर देगा पावर नीचे एक एन फिर भी बच रहा है तो जैसे इन फाइनाइट रखेंगे zero, zero, लेकिन यहां पे देखो, ये पहला पार्ट आ रहा है सो द राइट आंसर विल बी वन बाई फोर सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी आसान सवाल था ये काफी ज्यादा आसान ऐसा सवाल एक नंबर का ठीक है ओके 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 मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर फोर्टी ये आई थिंक थोड़ा अच्छा सवाल है द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस कॉस एक्स के पावर एक्स बाई फोर अच्छा जैसे ही जीरो रखते थे ये क्या बनता है कॉस जीरो वन माइनस वन लेकिन लॉपिटल अगर लगाओगे तो बहुत लंबा फंस जाएगा क्यों माइनस साइन साइन एक्स फिर साइन एक्स का करोगे कॉस एक्स लेकिन फिर भी नीचे फोर एक्स क्यूब रहेगा तो वहां से काम नहीं बनेगा डायरेक्ट एक्सपेंस एक्सपेंसर नॉट पॉसिबल क्योंकि ये X के टर्म है X के टर्म है कुछ कैंसिल आउट ही नहीं होगा ये दोनों काम खराब हो गया ओके वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला कॉस ए माइनस कॉस बी आई थिंक क्या होता है यार टू साइन ए प्लस बी बाई टू इन ऑफ राइटिंग माइनस यहां जो माइनस लिख के हम क्या लिखते हैं साइन ए माइनस बी बाई टू मैं ये माइनस हटा के मैं डायरेक्ट साइन बी माइनस ए बाई टू लिख देता हूँ बात तो बराबर ही ना चाहे बाहर माइनस लिखो चाहे इसके तो <coughs> क्या बनने जा रहा है sin. Sin x x 2, अभी नियमित मुझे क्या करना चाहिए साइन साइन एक्स माइनस एक्स बाई टू लेकिन मैंने माइनस खा गया तो मैं इसे उल्टा लिख देता हूँ एक्स माइनस साइन एक्स बाई टू अब इसमें मत पूछना यार भैया ये सब क्या कर रहे हो ठीक है ये एक्स के पावर फोर है समझो ध्यान से अभी भी ये सॉल्व करना बड़ा ही मुश्किल लेकिन शायद आपने फिजिक्स में कहीं कहीं यूज किया होगा कि अगर इफ ए इज स्टैंडिंग टू बी जीरो देन साइन ए इज गोइंग टू बी जीरो ओ सॉरी साइन ए इज गोइंग टू बी ए ये आपने देखा होगा क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है साइन ए ए होगा जब ए जीरो को अप्रोच करेगा वही चीज हम यहां यूज करेंगे क्योंकि अगर एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है तो बेटा साइन एक्स भी जीरो को अप्रोच करेगा तो एक्स प्लस साइन एक्स भी जीरो को ही अप्रोच करेगा दोनों जीरो है ये भी जीरो को अप्रोच करेगा वही चीज अगर ये दोनों जीरो का अप्रोच कर रहे हैं तो एक्स माइनस साइन भी जीरो का अप्रोच कर रहा होगा बाई टू भी जीरो का अप्रोच कर रहा होगा तो अगर ये टर्म जीरो को अप्रोच कर रहा है एक नया आप लिमिट में सीखने जा रहे हो और ये एक यूनिक प्रॉब्लम बन गया आपके लिए यहां भी अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी जीरो को अप्रोच कर रहा है तो आप क्या कहानी करने जा रहे हो यहां पे कहो भैया यहां पे आप ध्यान से देखो दिस इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है ना ये मैं क्या लिख दू टू टाइम्स साइन एक्स प्लस एक्स बाई टू और यहां पे डायरेक्टली मैंने इसे एक्स माइनस इसके साथ खपा देता हूं यार और एक एक्स को मैं इसके साथ ले लेता हूं एक्स माइनस साइन एक्स इसके साथ में एक्स क्यूब ले लेता हूं क्योंकि यहीं से मेरा जब एक्सपेंशन करूंगा तो कैंसिल आउट होगा तो ये बेसिकली क्या मान रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन प्लस वन अच्छा इधर टू बचा हुआ था ये टू यहाँ लिख लो एक्स माइनस साइन एक्स तो साइन एक्स का एक्सपेंशन कर लो एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल इन डॉट टू ये इससे गायब लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो भी था तो ये क्या बन रहा है एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल माइनस एक्स के पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल डॉट 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 इन फाइन एक्स क्यूब आप ध्यान से देखो जब जीरो रखोगे तो सिंपली यहाँ वन बाई थ्री फैक्टोरियल बचेगा एंड वाट इज वन बाई थ्री फैक्टोरियल बेसिकली वन बाई सिक्स सो करेक्ट आंसर इज आंसर बी दैट इज वन बाई सिक्स तो बी ऑप्शन इज करेक्ट तो यार पसीने निकल गए आज के सवाल में ये पी डी एफ मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है फटाफट ज्वाइन करो और कैसा लगा सेशन आप एक बार ज़रूर बताना अगर आपका थोड़ा भी हेल्प हुआ तो सब्सक्राइब लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करना चलिए चलते यार आज काफ़ी मेहनत हो गया लेक्चर एक घंटे आठ मिनट का हो गया चलिए बाय बाय एवरी टेक केयर